था वो पूरा कर लिया गया है। वहाँ पे समय साइट पे कोई भी घायल यात्री नहीं है और सबको अस्पताल पहुँचा दिया गया। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं जो कि जिनको कि आगे जाना है उनके लिए वहाँ पे अलग से रेलगाड़ियाँ हम लोग पहुँचा रहे हैं अगले स्टेशन तक। उस स्टेशन से वो उन रेलगाड़ियों से दिल्ली तक जा सकते हैं। साथ ही जो वहाँ पे ART होती है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, जिसके अंदर की गाड़ी को रिरेल करने के लिए वापस उसको पटरी पर रखने का सारा इक्विपमेंट होता है वो वहाँ पे प्लेस हो गई है और अब रिरेलमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी ही वहाँ पर रिरेलमेंट हो जाएगा और ये लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी। स्थिति इस समय पूरी तरह से नियंत्रण में है। ये लगभग रात 2:30 बजे ये ट्रेन यहाँ से आप जर रूट पर जा रही थी तो एक आगे आपने देखा होगा, विजुअल्स भी लिए होंगे, एक लोडर जो है वो ट्रैक के ऊपर गिर गया जिससे ये दुर्घटना हुई और ये इसमें लगभग 72 लोग घायल हुए हैं जिनको सभी को बहुत ही तत्परता से यहाँ से मोबिलाइज करते हुए प्राथमिक चिकित्सा के लिए CHC भेजा गया और जो कुछ उसमें सीरियस थे उनको सैफई हॉस्पिटल। इसमें जो मुख्य रूप से है 5 बोगी डिरेल हुई है और एक आप देख भी रहे हैं कि वो पलट भी गई है। तो हमारा डायवर्जन का प्लानिंग हो गई है। अभी पहली जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कैसे उनको जल्दी जल्दी उनके बताना। जैसा आपको मालूम है कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से दिल्ली के लिए ट्रेन चलती है जब वो कानपुर से निकलने के बाद पाटा और अचलदा स्टेशन के बीच में आज रात में रन पे थी तो लगभग 2:40 के आसपास एक अनऑथराइज डंपर जो साइट से ट्रेसपास कर रहा था उसने डैश किया इसके इंजन को जिसकी वजह से इसके इंजन और इसकी 12 कोचेस डरेल हो गई हैं। जितने भी यात्री उसमें हैं वो सभी सुरक्षित हैं जिसमें से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो आप देख रहे हैं लोडर है इसके टकराने से हुआ है, ये डंपर जो है इसके टकराने से हुआ है, नहीं कैजुअलिटी अभी कोई नहीं है। ये करीब 2:45 की नहीं ये तो अभी हम बता नहीं सकते हैं, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे अभी एडी साहब ने बताया कि ये डंपर ट्रैक पर आ जाने की वजह से दुर्घटना हुई है और रेलवे से अभी उनके सेफ्टी अफसर वगैरह आ रहे हैं वो उसका जांच कराएंगे। लेकिन गनीमत ये है कि किसी की इसमें जान नहीं गई है और जो घायल भी हुए हैं अभी ठीक ठाक हैं, हॉस्पिटल में हैं और भगवान की दया से बहुत एक बड़ी दुर्घटना से बच गई है।